सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएमटीसी लिमिटेड इस स्टॉक के अंदर। आज के दिन 1 रुपए 15 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 1.5% के करीबन का अपसाइड मूव दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 67 रुपए 45 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर एक टॉप बना है 88 रुपीज का। 88 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक टॉप बनाया है। ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहेगा, जहां पर स्टॉक का नीचे का बॉटम बना 62 रुपीज का। 62 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक बॉटम बनाएगा और यहीं से स्टॉक में एक अप ट्रेंड मूव देखने को मिला। स्टॉक काफी टाइम से देखें तो एक रेंज बोन में ट्रेड कर रहेगा, जहां पर ऊपर में स्टॉक के अंदर एक रुकावट रेंज है 70 रुपीज पर। जब तक स्टॉक 70 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर में क्लोजिंग नहीं बनाता, स्टॉक के अंदर एक फ्रेश मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। नीचे के स्टॉक में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 62 रुपीज पर। अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे का 62 रुपीज का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रखें और ऊपर के टारगेट अराउंड 90 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट जब भी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 61 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन देता है, वहां पर स्टॉक के अंदर एक ऊपरी लेवल पर एक करेक्शन देखने को मिल सकती है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।